यूं तो भारत का बजट देश के वित्त मंत्री ही पेश करते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक वक्त ऐसा भी आया है जब इस देश का बजट पेश करने वाला नेता पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया था और उसके पेश किए गए बजट को आज भी पुअर मैन बजट कहा जाता है। क्या है पूरी कहानी, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। ये कहानी है भारत की आजादी से ठीक पहले की, तब की, जब भारत और पाकिस्तान एक मुल्क हुआ करते थे और दोनों को मिलाकर भारत कहा जाता था। तब साल 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग ने नेहरू सरकार को समर्थन दिया था। जिन्ना चाहते थे कि नेहरू सरकार में उनकी पार्टी को दो अहम मंत्रालय दिए जाएं, पहला विदेश मंत्रालय और दूसरा गृह मंत्रालय। लेकिन नेहरू ने तय किया कि विदेश मंत्रालय तो वह खुद के ही पास रखेंगे, वहीं सरदार पटेल अड़ गए कि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास रहेगा। तो कांग्रेस नेता रफी अहमद किदवई ने सुझाव दिया कि जिन्ना की पार्टी को वित्त मंत्रालय दे दिया जाए। नेहरू तैयार हो गए, सरदार पटेल भी बात मान गए, और इसकी वजह यह थी कि दोनों ही नेताओं यानी कि नेहरू और पटेल को यह लगता था कि जिन्ना के पास अर्थव्यवस्था को समझने वाला कोई ऐसा काबिल नेता नहीं है जो वित्त मंत्रालय की मदद कर सके। ऐसे में या तो जिन्ना वित्त मंत्रालय ठुकरा देंगे या फिर उनकी पार्टी मंत्रालय संभाल ही नहीं पाएगी। लेकिन जिन्ना ने नेहरू और पटेल की धारणा के उलट अपने सबसे करीबी नेता लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बना दिया। काम करने के दौरान लियाकत अली खान को अपने मंत्रालय की अहमियत बखूबी पता लग गई और फिर लियाकत अली खान ने मंत्रालय पर ऐसी सख्ती की कि सरकार का कोई भी मंत्रालय बिना लियाकत अली खान की मर्जी के एक चपरासी की भी नियुक्ति नहीं कर पाता था। अब वित्त मंत्री लियाकत थे तो उन्हें बजट भी पेश करना था, तो उन्होंने मलिक गुलाम मोहम्मद, चौधरी मोहम्मद अली और जाहिद हुसैन जैसे आर्थिक जानकारों की मदद से बजट तैयार किया। 28 फरवरी 1947 को बतौर वित्त मंत्री लियाकत अली खान ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट पेश किया। ये वही बिल्डिंग है जिसे आज पुराने संसद भवन के तौर पर जाना जाता है। लियाकत अली खान ने जो बजट पेश किया था उसमें इतनी खामियां थी कि उसे पुअर मैन बजट कहा गया, और आज की तारीख में भी लियाकत अली खान के पेश किए गए उस बजट को पुअर मैन बजट ही कहा जाता है। इस बजट में लियाकत अली खान ने नमक पर लगे टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इनकम टैक्स की सीमा को 2000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया। इसकी वजह से सरकार को करीब 9 करोड़ 25 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था, तो इसकी भरपाई के लिए लियाकत अली खान ने उन उद्योगपतियों और कारोबारियों पर 25% का टैक्स एक्स्ट्रा लगा दिया जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए या इससे अधिक थी। इसके अलावा लियाकत अली खान ने 5000 रुपए से ऊपर की संपत्ति और खास तौर से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई संपत्ति को बेचने पर मिले पैसे पर भी टैक्स लगा दिया, और इससे करीब 33 करोड़ 50 लाख रुपए की आमदनी होने का अनुमान लगाया गया। कॉरपोरेशन टैक्स को भी लियाकत अली खान ने दोगुना कर दिया। ऐसे में कारोबारी तो नाराज होंगे ही होंगे, और इन कारोबारियों में बड़ी संख्या उनकी थी जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे और कांग्रेस को आर्थिक मदद भी किया करते थे। लेकिन कारोबारियों पर टैक्स लगा तो आम आदमी खुश हो गए। हालांकि ये खुशी ज़्यादा दिन बरकरार नहीं रह पाई, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया। और जिस लियाकत अली खान ने बतौर वित्त मंत्री भारत का बजट पेश किया था, उन्हें पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो ये थी कहानी उस नेता की जिसने भारत का बजट बनाया और फिर वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया। अभी के लिए शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।